नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं संपुटित श्री सूक्त का पाठ जो घोर दरिद्रता से आपको मुक्ति दिलाएगा। इस विषय में मैं आज जानकारी देता हूँ। इसके साथ साथ आपको यह भी बता रहा हूँ कि श्री सूक्त के पाठ का उच्चारण कैसे होना चाहिए, तो इसका मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कि श्री सूक्त का पाठ आप करते हैं, उस पाठ से आपको 100 गुना लाभ मिलता है, और उसमें जो लक्ष्मी जी का महामंत्र है, उस मंत्र को यदि जोड़ देते हैं तो आप उसको 1000 गुना कर लीजिए। जो महालक्ष्मी जी का महामंत्र है, क्या है? श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये महामंत्र है। अब इसमें यदि आप दरिद्र नाशक मंत्र जो दुर्गा सप्तशती का है, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में है, उस मंत्र को यदि आप जोड़ देते हैं तो वह लाख गुना फलदायी हो जाता है। वह मंत्र कौन सा है? दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभां ददाशि दारिद्र दुख भय हरिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता, यह मंत्र है। तो अब इसका आपको संपुट कैसे लगाना है, और जो व्यक्ति इस मंत्र का इसको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करेगा, आप विश्वास कीजिए निश्चित रूप से उसकी दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन आप इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कुछ कहते हैं ना कि पूजा और प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति समाहित होती है, दिखती नहीं है, उस पर आपको श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। फिर मंत्र बोलेंगे क्या? दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति वशुभां ददासी, बस इतना बोलना है। उसके बाद हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्ण रजत स्रजां चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। इसके बाद फिर से आपको जो मंत्र आपका रह गया है, कौन जो आपने जो आधा मंत्र बोला था, दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभां ददासी दारिद्र दुख भय स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभां ददासी, यहाँ तक आपको बोलना है। इसके बाद फिर से आपको जो है जो लास्ट का दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभां ददासी, या पहले बोल गए हैं जो लास्ट का बचा हुआ आपका मंत्र है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीत शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासी। अब जो बोलना है ये मंत्र समाप्त होने के बाद, दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, ये इतना बोलना है। फिर श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और फिर से दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभां ददासी, इस तरह से। फिर उससे अगला मंत्र, जिसे हिरण्यवर्णाम, जिसे श्री सूक्त का मैं आपको उच्चारण बताऊं। श्री सूक्त का जो मंत्र, जो भी श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, ये ऋग्वेदोक्त हैं, और ऋग्वेदोक्त जो आपके मंत्र हैं उनका उच्चारण भी ऋग्वेदोक्त की जो लय है, आवाज है, उसके हिसाब से होना चाहिए। मैं 2-3 उसके श्लोक बोल करके आपको बता देता हूँ। संपुटित आप समझ ही गए होंगे कि पहले महालक्ष्मी का महामंत्र, उसके बाद जो दुर्गे स्मृता श्लोक है, आधा श्लोक बोलना है, आधे श्लोक के बाद फिर से आपको जो है श्री सूक्त का एक मंत्र बोलना है, फिर इसके बाद वो आधा श्लोक बोलना है, सिर्फ फिर वो महामंत्र लगाना है, फिर आधा श्लोक बोलना है, फिर एक श्लोक पूरा होने के बाद वो जो आधा श्लोक बचा हुआ है फिर बोलना, ऐसे। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं 2-4 मंत्र उसके श्री सूक्त के बोल के बता दे रहा हूँ, और ऋग्वेदोक्त तरीके से उसकी आपकी लय आवाज होनी चाहिए। क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। अरुण कमल संस्थान तत्र जह पुंज वर्णाम कर कमल धृतेष्टाम वेति युग्मांबुजा च मणिमुकुट विचित्र अलंकृत कल्पजालय सकल भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। अब इस तरह से हरे ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं
यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपह्वये श्रीर्माजुषुताम काम सोस्मिताम हिरण्यप्राकारा आमार्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो पह्वये श्रियम। इस प्रकार से आपका जो है उच्चारण होना चाहिए, ये ऋग्वेदोक्त है और बहुत अच्छे से आप भाव विभोर होकर के समर्पित होकर माँ लक्ष्मी के दिन यानी 27 तारीख की रात्रि में आप इन श्री शुक्र के 16 मंत्रों को संपुटित पढ़ें, निश्चित रूप से जड़ से दरिद्रता आपकी खत्म हो जाएगी। वैसे तो टोटल इनके जो मंत्र हैं मेन पार्ट आपके 16 श्लोक है, 16 और हैं इनका फलस स्तुति, जिसको फलस स्तुति कहते हैं वो 16 और हैं, टोटल 32 हैं। और लास्ट में जो मंत्र बोलते हैं शक्तुम योजना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखा आय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची, ये इसका जो है सबसे लास्ट में जो फलस्तुति कहते हैं बाद में लक्ष्मी का, यह मंत्र बोलते हैं। और यदि ये सब कुछ नहीं आता है तो जो श्री महालक्ष्मी का महामंत्र है श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे भी बहुत विशिष्ट लाभ होगा। और उस दिन कमलगट्टे खीर और वेलगिरी के साथ माँ लक्ष्मी के संपुटित मंत्रों का आप यदि हवन करते हैं तो भी विशेष लाभ होगा। और उस दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य में वो करें, वो बहुत जरूरी है। तो बस मैं इस विषय में जानकारी देना चाह रहा था कि घोर दरिद्रता को जो नष्ट करती हैं वो ये संपुटित श्री शुक का पाठ करने पे निश्चित रूप से घोर दरिद्रता नष्ट होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।